हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को सुंदरनगर में पेयजल योजना के जीर्णोद्वार समेत 41 करोड़ की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से किया। मुख्यमंत्री ने बायला खड्ड पर 1 करोड़ रुपए से बने पुल और बागवानी विभाग सुंदरनगर के नए भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए से अधिक राशि से हुए सुधार एवं विस्तार कार्य के उपरांत पुनः तैयार उठाऊ पेयजल योजना कलहड़ को लोगों को समर्पित की गई। इससे 48 बस्तियों की लगभग 5000 आबादी को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध हुई है। नगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आज 7 बड़ी परियोजनाओं का विधिवत रूप से शिलान्यास और उद्घाटन हुए, जो है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी के वर्चुअल अभिभाषण से हुआ है। उसके लिए स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल जी को ढेर सारी बधाई, हार्दिक बधाई, क्योंकि 45 करोड़ रुपया वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस क्षेत्र के अंदर लगभग 500 करोड़ रुपए के काम चले हैं, और उन 500 करोड़ के कामों में से 200 करोड़ के काम जो है वो जल शक्ति विभाग के हैं, और 100 करोड़ के काम जो है लोक निर्माण विभाग के हैं। बाकी जो 200 करोड़ के काम है वो दूसरे अन्य जो विभाग हैं उनके माध्यम से हैं। आज से पिछले जितने भी कार्यकाल रहे हैं जिन जिन विधायकों के, अगर उसके साथ तुलना की जाए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि 2.5 वर्ष का कार्यकाल ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में और यहाँ के स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल जी के अच्छे प्रयासों से जो है वो उन सभी कार्यकालों के ऊपर जो है वो भारी पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि जितने भी काम चले हैं वो राकेश जम्वाल जी खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जैसे CM साहब ने कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी हमारे पास नहीं है। भले ही जितना मर्जी कोरोना आ जाए, धन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो है विकास की इस गंगा को आगे बढ़ाएंगे, आगे तक ले जाएंगे, विकास किसी भी हालत में रुकने नहीं देंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा।